उत्तर प्रदेश पुलिस अब विकास दुबे के भाई प्रकाश दुबे की करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने की योजना बना रही है। दरअसल पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद भी विकास का भाई प्रकाश दुबे सरेंडर नहीं कर रहा है और न ही पुलिस के हत्थे चढ़ रहा है। परिवार ने भी प्रकाश दुबे से सरेंडर करने की कई गुहार लगाई, लेकिन प्रकाश पांडे ने सरेंडर नहीं किया। हालांकि इस दौरान उसने अपनी पत्नी को कई चिट्ठी लिखी और बताया कि वो बिल्कुल ठीक है और जल्द ही कोर्ट में सरेंडर करेगा, लेकिन इसके बावजूद प्रकाश दुबे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसलिए अब पुलिस ने फैसला किया है कि वो उसकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क करेगी। दरअसल कानपुर में 2-3 जुलाई की रात बिकरू गाँव में जो शूट आउट हुआ था, उसी की जांच को लेकर विकास दुबे के साथ साथ पुलिस उसके भाई दीप प्रकाश दुबे को तलाश रही है, लेकिन दीप प्रकाश दुबे 3 जुलाई से ही फरार है और इसके लिए दीप प्रकाश की मां ने खुद अपील की थी कि वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन फिर भी दीप ने आत्मसमर्पण नहीं किया और इसके लिए पुलिस ने उसके सर पर 20,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है और इसीलिए पुलिस अब उसकी संपत्ति को कुर्क करना चाहती है और इसके लिए पुलिस ने अदालत में उसकी संपत्ति को जब्त करने के लिए आवेदन किया है और आदेश मिलते ही पुलिस उसकी संपत्ति को जब्त कर देगी। पुलिस का कहना है कि प्रकाश दीप के नाम पर ही विकास दुबे ने बहुत बड़ी अवैध संपत्तियां बनाई थी, जिसका खुलासा उसकी गिरफ्तारी के बाद ही हो सकता है। और पुलिस सूत्रों का तो यहाँ तक कहना कि बिकरू कांड की तमाम बातें उसे पहले ही पता थी और इन सब खुलासों के लिए दीप प्रकाश की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है और इसलिए उसको सरेंडर कराने के लिए पुलिस उसकी संपत्ति कुर्क करना चाहती है। गौरतलब है कि दीप प्रकाश की पत्नी अंजलि, उसके बच्चे और उसकी मां लखनऊ के कृष्ण नगर इलाके में इंद्रलोक कॉलोनी में रहते हैं और पुलिस ने उनके परिवार से भी कई बार पूछताछ की। दोस्तों जुड़े रहिए आप हमारे साथ, हम लगातार आपको हर बड़ी घटना का अपडेट देते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।